रानी पद्मनी रहती थी, पान खाती, खाना खाती, कुछ भी खाती तो गले से दिखाई देता था। इसकी खूबसूरती सुनकर के दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी इसको देखने के लिए आया, तो वो सामने जो आसमानी कलर की खिड़की दिखाई दे रही ना, वो जो आदमी घूम रहे हैं उस रूम के अंदर में अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया। और यहाँ पर नीचे जो सीढ़ियाँ दिख रही है, तीन वाली तीन सीढ़ियाँ, इसके ऊपर रानी पद्मिनी को बिठाया गया। तो ऐसा एक एंगल बना हुआ जो आईने के आधार पर उसको दिखाया गया। इसको देखने के बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी को दिखा करके इसको किले के चारों तरफ घुमा करके वहाँ से लास्ट गेट की ओर वहाँ पर छोड़ने के लिए गए रतन सिंह, तो उनको बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी की जो रानी थी, रानी पद्मनी, पान खाती तो खाना खाती कुछ भी खाती तो गले से दिखाई देता था, तो इसकी खूबसूरती सुन करके उसने क्या, जितनी खूबसूरत थी उतनी बड़ी चतुर भी थी। तो उसकी चतुराई के हिसाब से उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ पर 700 डोलियों की व्यवस्था कीजिए ताकि हम डोली में बैठ करके आपके पास आने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे गोरा और बादल दोनों चचेरे भाई थे उनके, तो उनको लेडीज़ के कपड़े पहनाए और डोली में बिठाया गया, और जहाँ पर युद्ध होता है ना उस जगह पे लेके गए, तो वहाँ पर घमासान युद्ध हुआ और अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ से मार भगाया दिल्ली, और रावल रतन सिंह को वापस छुड़ा करके यहाँ पर लाए किले के अंदर। और फिर यहाँ से सेना हार जाने के बाद में 16,000 रानियों के साथ में वहाँ पर जौहर हुआ, जो जौहर स्थल देखा था ना वहाँ।